कैसे हैं आप? मैं हूँ सुनीता नागदास, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सुमो रेसिपीज पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बारिश का स्पेशल बेसन वाला चीला, या फिर आप इसे बेसन का उत्तपम भी बोल सकते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है, एक ही बेटर से हम दोनों चीज़ें बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चीले या फिर पकौड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमें यहाँ पर लेना है सबसे पहले 2 कप बेसन। इसे हम 7-8 चीले बना पाएंगे। तो हमने यहाँ पर बेसन ले लिया है, इसमें ऐड कर लेते हैं नमक, नमक स्वाद अनुसार 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हम लेंगे बेकिंग सोडा। ड्राई इंग्रेडिएंट को इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पर हम लेंगे 1/4 कप दही, एकदम खट्टी दही है इसलिए हम यहाँ पर 1/4 कप ही ले रहे हैं। अगर आपकी कम खट्टी दही हो तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। दही हमने यहाँ पर इतना ही डालना है कि इसमें हल्का सा खट्टापन आ जाए, और हम बाद में टेस्ट करके देख लेंगे। अगर हमें कम लगता है तो हम थोड़ी सी यहाँ पर नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। और हमें यहाँ पर नमक कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर रहे हैं। और अब हम पानी के साथ यहाँ पर इस बैटर को बना रहे हैं दही ऐड करने के बाद। और पानी हमें यहाँ पर हल्का सा गुनगुना लेना है। इस बैटर को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था, जिसमें से 1/4 कप पानी बच गया। हम सबसे पहले इससे उत्तपम बनाएंगे, तो इसके लिए हमें हल्का सा गाढ़ा बैटर चाहिए होता है। तो पहले हम इसे गाढ़ा ही रखेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके चीले का बैटर भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके का फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर होना चाहिए। इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख लेते हैं। और रेस्ट टाइम में हम यहाँ पर सब्जियाँ काट कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने पत्ता गोभी ली है, शिमला मिर्च ली है, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ली है। इन सभी को हमने बारीक कट कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 मिनट बैटर को रेस्ट करते हुए हो गए हैं और हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है अब चीले बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा लिया है, इसको मीडियम फ्लेम पर हल्का गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए तवा। तवे पर हम थोड़ा सा ऑयल फैलाएंगे और उसके बाद बैटर को एक बड़े चम्मच से लेकर और इस तरीके से डालेंगे। और इसे हमें बिल्कुल भी फैलाना नहीं है, ये अपनी शेप खुद ही ले लेगा। और इस तरीके से हम तवे को थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि अपनी शेप परफेक्ट ले ले। और वेजिटेबल्स जो हमने कट करके रखी है उनको हमने एक साथ सारा मिक्स कर लिया है और उनको हम उत्तपम के लिए ऊपर से लगाएंगे। और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पर बैटर को फैलाएंगे तो बैटर एक ही बार में तवे पर चिपक जाएगा और हमारे जो ये वेजिटेबल्स ऊपर से ऐड किए हैं ये बैटर में बिल्कुल भी चिपक नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे प्रेस करके सारी वेजिटेबल इसके ऊपर अच्छे से चिपका लेंगे। और अब हम थोड़ा सा ऑयल तवे पर डालेंगे और इसे इस तरीके से स्प्रेड करेंगे ताकि पूरे चीले के नीचे तक अच्छे से लग जाए। पहली थाल को पलटने से पहले हमें यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 1 मिनट तक अच्छे से पकाना है ताकि ये थोड़ा सा नीचे से क्रिस्पी हो जाए, ताकि हम इसे आसानी से पलट पाएँ। और इसी तरह हम दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लेंगे तवे पर, थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसे इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। तो हमारा एक उत्तपम बनकर बिल्कुल तैयार है, बेसन का उत्तपम। कितना आसान है बनाना, देखा आपने फ्रेंड्स? इसी तरह हम दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने चम्मच से इसे इस तरीके से डाला है और थोड़ा सा तवे को हम हिलाएंगे ताकि ये अपनी परफेक्ट शेप ले ले। और ऊपर से हमें ऐड करनी है वेजिटेबल्स और फ्लेम को हम रखेंगे बिल्कुल लो और थोड़ा सा हम लगाएंगे चारों तरफ ऑयल। बिल्कुल ज़्यादा हमें ऑयल यहाँ पर नहीं लगाना है। हमने बैटर में सोडा डाला था ना, उसी से हमारा उत्तपम एकदम सॉफ्ट और थोड़ा सा फूला हुआ बनेगा। और इसे काफ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी है तो इसकी मोटाई भी है, तो इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक एक तरफ पकाएंगे और दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस करेंगे। यानी कि 3 मिनट तक हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है ताकि ये बिल्कुल सही तरीके से पक जाए।
फ्रेंड्स हमें उत्तपम बनाने थे, इसीलिए हमने यहाँ पर बैटर को थोड़ा गाढ़ा रखा था। अब हम चिले बनाएंगे, तो हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो हमारा ये दूसरा उत्तपम भी बनकर बिल्कुल तैयार है। दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है और गर्मा गर्म ही खाने में इसे मज़ा आता है। तो इसे लीजिए, हम सर्व कर लेते हैं जल्दी से। आप इसे ऐसे ही सर्व करेंगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और आप चाहें तो इसके साथ इमली की खट्टी चटनी और सॉस या फिर हरी चटनी आप इसके साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से देखिए कितना सॉफ्ट बना है, अंदर बहुत ही अच्छी इस पर जाली बनी है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स बारिश का मौसम है, जल्दी से आप भी इसे बनाइए और बारिश के मज़े लीजिए। और रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम चिले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें बैटर में ही सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लेनी है इस तरीके से, और इसमें थोड़ा सा हम एक गुट जितना पानी ऐड कर लेंगे। आप अपने बैटर के हिसाब से थोड़ा सा पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि डायरेक्ट चम्मच उल्टा करते ही सारा गिर जाए। तो यहाँ पर भी हम तवे को गर्म करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इसे हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। हम जैसे हाथ से चेक करते हैं, हीट बिल्कुल भी हाथ पर नहीं आनी चाहिए, उतना हमारा तवा गर्म होना चाहिए। और अब हम इस पर बैटर फैलाएंगे, देखिए बैटर काफ़ी पतला है, अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से फैलाएंगे। उत्तपम से चीला थोड़ा सा पतला बना सकते हैं हम, तो हमने इसे इस तरीके से फैलाया है कि ये थोड़ा सा पतला बना है, और इस पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेकर इसके नीचे तक स्प्रेड करेंगे। चीला भी हमारा 2 से 3 मिनट में पककर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और इसमें हमें ऊपर से टॉपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, इसमें हमने पहले से ही सारी वेजिटेबल्स ऐड कर ली है। तो इसी तरीके से हम सारे चीले अब बनाकर तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल इंस्टेंटली ये बन जाते हैं, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बस बेसन का बैटर बनाओ और सब्जियां काट कर इसमें ऐड कर लो, हमारा बेसन का चीला बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो बारिश का मज़ा दुगुना करने के लिए आप भी इसे जल्दी से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और जब भी ट्राई करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सुमो रेसिपीज़ पर फ़ोटो ज़रूर टेक कीजिए, और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बारिश के मौसम में आप क्या खाना पसंद करते हैं मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। आपको बेसन के उत्तपम या फिर चीले की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह हमारे और भी वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ,